हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज्योति। जी एस स्टाइल बुटीक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हुक्का बनाना सीखेंगे। मैं इस प्रकार से आपको हुक्का बनाने सिखाऊंगी जिससे आपके हुक्का कभी भी नहीं खुलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हुक्का बनाने के लिए आपको एक बड़ी सुई की और हुक्का बनाने के लिए छोटी सुई की और एक हुक लगाने के लिए हुक की ज़रूरत होगी और धागे को मैचिंग का धागा ले लेना है जिससे आपको बनाना है हुक बनानी है उससे। और धागे को दो बार फोल्ड कर लेना है। दो बार फोल्ड करके आपको इसको चार बार फोल्ड करना है इस प्रकार से। इसको हमने चार बार फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको सुई में डाल देंगे। इसको छेद करके इस प्रकार से निकाल लेना है और इसको ऐसे घुमा देना है ऐसे। इससे हमारा हुक कभी भी नहीं खुलेगा। वो हमें सुई लेनी है। हमें चार बार फोल्ड कर लिया इसको और इस प्रकार से पकड़ के इसको ऐसे डाल देना है। धागे को ऐसे करके और यहाँ से निकाल लेना है। दो तीन बार ऐसे ही करना है एक तरफ। ऐसे दो तीन बार इस तरफ और दो तीन बार उस तरफ। अब हम इसको यहाँ से ऐसे निकालेंगे। इस प्रकार से आप हुक लगाएंगे तो आपका हुक कभी भी नहीं खुलेगा, मजबूत बना रहेगा। अब इसको ऊपर ले जाना है सुई को ऐसे। देखिए और क्या करना है आपको, इस धागे को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देना है और ये धागे को इसमें डाल के और यहाँ से निकाल देना है। दो तीन बार लगाने ताकि हमारी हुक पक्का हो जाए। इसको लगा के हम इसे काट दें। आय बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सुई को नीचे से घुसेंगे और ऊपर से निकालेंगे ऐसे, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए इसको नीचे ले जाएंगे। ऐसे ही तीन से चार बार आपको लेके जाना है जिससे हमारी आई पक्की हो जाए और ये खुले नहीं। देखिए इस प्रकार से तो
सुई को पलाना है और गोल राउंड करते हुए इसको ऐसे निकाल लेना है। इस प्रकार से आई बनाते हैं तो ये खुलती नहीं है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम नीचे से डाल के इसको पक्का कर लेना है धागे को। नीचे से डालेंगे और धागे को पक्का कर देंगे ताकि ये हमारी आई खुलेगी नहीं। दो से तीन बार काट।